सागर के शाहगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपियों ने जंगल में नाबालिग को पकड़ा और उसके साथ गलत काम कर दिया। वारदात सामने आते ही परिवार वाले पीड़िता के साथ थाने पहुंच गए और मामले की शिकायत कर दी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच में ले लिया है। पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने प्रकरण में 7 आरोपी बनाए हैं, जिसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार शाहगढ़ क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग अपनी सहेली के साथ मझघटिया के पास घूमने गई हुई थी, जहां जंगल के रास्ते में उन्हें आरोपियों ने पकड़ लिया। आरोपियों ने नाबालिग के साथ अश्लील हरकतें की। इसी दौरान पीड़िता के साथ मौजूद सहेली मौके से भाग निकली। पीड़िता ने घर आकर परिवार वालों को पूरा घटनाक्रम की जानकारी दी, जिस पर बुधवार को परिवार वालों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 5 नामजद समेत 7 आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म की धारा में प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है। थाना अंतर्गत एक गंभीर घटनाक्रम संज्ञान में आया है। कल शाम को ये शिकायत थाने शाहगढ़ में प्राप्त हुई थी, उसके बाद से ही तत्काल उसमें गंभीरता को लेते हुए और एडिशनल SP और SDO थाना प्रभारी द्वारा त्वरित कार्रवाई उसमें की गई है। पूरे घटनाक्रम को वेरीफाई कराया गया है और उसमें जो संबंधित आरोपियों के नाम सामने आए हैं उनमें से मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुल इसमें मुख्य आरोपी तथा सहयोगियों के साथ साथ कुल 7 लोगों के नाम आए हैं, जिनमें से 4 लोग पुलिस गिरफ्त में हैं और बाकी भी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस तीव्रता से कार्रवाई कर रही है। इनमें कितने नाबालिग हैं? इसमें वर्तमान में अभी हम लोग गिरफ्त में लेके उनसे सबका डिटेल ले रहे हैं और उनका जो आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर वो जाँच की जा रही है। परंतु सभी लोग 18-20-22 ही एज ग्रुप के हैं, परंतु 18 से आगे हैं कम हैं, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन के वेरिफिकेशन के बाद ही कहा। बट एक बात तो सामने निकल के आ रही है, पीड़ित परिवार के पक्ष का कहना है कि पुलिस ने दिन भर हम लोग को परेशान करते रहे, FIR दर्ज नहीं की है, क्या ये बात? ये बिल्कुल सरासर गलत है। कल तो पूरे दिन ही जैसे ही उन्होंने बताया FIR तत्काल दर्ज हुई है और यदि ऐसी कोई बात है तो मैं यहाँ पर हूँ, मेरे संज्ञान में लाएं। इनफैक्ट यदि इस तरह की कोई बात होगी तो हम उसकी जांच करके त्वरित कार्रवाई करेंगे। कल जैसा मैंने कहा घटनाक्रम संज्ञान में आते ही पुलिस ने 4 आरोपी पकड़ लिए हैं, तहत FIR दर्ज किए गंभीर मामले में और पूरी कार्रवाई बहुत ही तेजी से कराई जा रही है। पूरे वैधानिक जितने नियम हैं कानून है उनका ध्यान रखते हुए कार्रवाई की जा रही है। सर, ये पूरा घटनाक्रम जंगल में बताया जा रहा है, तो लड़की को उठा के ले गए थे कि साथ गए थे वो? इसमें जो डिटेल्स हैं वो जो बालिका है उनके कथन के आधार पर और बाकी भी जो आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पूरा वेरिफिकेशन किया जा रहा है। आसपास भी साक्ष्य संकलित आज किए जाएंगे और उसके आधार पर ही सभी चीज़ें आगे की जाएंगी। ठीक है।